24 घंटों में 1,49,394 मामले सामने आए। इसी को लेकर एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर, नए कोरोना केस जो हैं देश में 24 घंटों में 1,49,394 जो मामले हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक दिन में महामारी से 1,072 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बीते रोज जो मामले सामने आए हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। 2,86,674 कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। महामारी से कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 5 लाख के पार है। तो बड़ी जानकारी, देश में अब तक 168 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 24 घंटों में 55,58,760 वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो पूरे देश में 24 घंटों में 1,49,394 नए केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में महामारी से 1,072 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बीते रोज 2,46,674 मरीज कोरोना जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। देश में 14,35,569 एक्टिव मामले हैं। अब तक 4,17,088 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। पूरे देश में कोरोना का क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर देश में 24 घंटों के जो आंकड़े आए हैं वो 1,49,394 हैं, क्या फिलहाल ये जो मामले लगातार उतार चढ़ाव के दौर में हम देख रहे हैं, क्या अभी फिलहाल लोग सतर्क हैं, सावधानी भूल गए हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार कोविड के मामलों में आपने देखा कि जो मामले हैं लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और यही वजह है कि कई ऐसे मामले हैं, आपने देखा ओमिक्रॉन की बात करें चाहे डेल्टा वायरस की बात करें, लेकिन लगातार जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं, 24 जो आंकड़े होते हैं उसमें आप देखिए कि जिस तरह से कल की बात कर ले तो कल और आज तो ये जो राहत वाली स्थिति खबर है क्योंकि जो मामले थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गए थे, लेकिन 24 घंटों की बात की जाए तो आप देखिए 2,46,674 जो मरीज हैं वो रिकवर भी हुए हैं। की बात की जाए तो घंटों में 1,072 जो मरीज हैं जो जिनकी मौत हुई है, लेकिन कल की बात करें तो कल आप देख लीजिए कल 1,008 लोगों की मौत हुई। कहीं ना कहीं कल के मुकाबले आज कुछ मामले मौत की जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं, लेकिन एक चीज तो है लोग अभी भी जो सड़कों की बात करें तो लोग अभी भी सड़कों पर जा रहे हैं बिना भीड़ भाड़ वाले लेकर जा रहे हैं, तो कहीं कहीं लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए और जब तक लोग सतर्कता नहीं बरते हैं तब तक इस जो कोविड है उसके हम लगाम लगा सकते हैं। कि बात की जाए जो 24 घंटे आप देखिए कि 24 घंटे में है 1,49,394 नए केस आए हैं आज, लेकिन कल की हम बात करें तो कल आपने देखा आपकी 24 घंटे में 2,49,169 नए मरीज आए, तो कहीं ना कहीं कल के मुकाबले आज जो है मामले वो कम आए हैं। लेकिन बात की जाए तो आपने देखा कि टेस्टिंग की प्रक्रिया भी कम कर दी गई है। पहले जहाँ पे टेस्टिंग की प्रक्रिया ज्यादा थी, ज्यादा टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अब टेस्टिंग की प्रक्रिया भी कम कर दी गई है। हालांकि जो वैक्सीनेशन है वो लगातार लग रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार सेंटर पर जाए तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जरूर तेजी लाई गई है, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार अब देखिए कम होते जा रहे हैं, लेकिन वही जो डेथ आता है उसमें किसी भी तरह की कमी देखी नहीं जा रही। ठीक है मुकेश, जो नए मामले हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों का जो आंकड़ा है, अगर एक दिन की मैं बात करूं तो एक दिन में महामारी से 1,072 ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कोरोना के चलते जान गंवाई है। अगर दूसरी ओर महामारी से कुल मरने वालों का जो आंकड़ा है पूरे देश का उसकी हम बात करें तो 5 लाख के पार है। इन आंकड़ों को देखते हुए चाहे जागरूकता अभियान चलाए जाए या फिर प्रशासन की लापरवाही देखी जाए, अभी भी क्या लोग लापरवाही को देखते हुए वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए क्या तरह तरह के रीजंस दे रहे हैं? देखिए, हालांकि चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि देश में 24 घंटों में 1,49,394 नए केस सामने आ चुके हैं। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आंकड़े कम आए हैं तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी ही होगी, क्योंकि अगर हालात और परिस्थितियां इससे भी ज्यादा खराब हुए तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब हम पहली लहर और दूसरी लहर के वक्त को दोबारा देख सकेंगे।